खबर अल्मोड़ा के रानीखेत से है, जहां इन दिनों बारिश और हवाओं के चलते कई जगहों से पेड़ गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही सरकारी अस्पताल परिसर में चीड़ के पेड़ खतरा बन रहे हैं, लेकिन इसकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। पिछले 3 महीने से अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी डर के साए में जी रहे हैं। बता दें कि अस्पताल में संबंधित विभाग भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। वहीं हालांकि वन विभाग ने खतरा बन रहे चीड़ के पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है और उन्हें चिन्हित भी कर दिया है। वहीं कुछ समय पहले अस्पताल परिसर में एक चीड़ का पेड़ गिरा था। गनीमत रही कि वह विपरीत दिशा में नहीं गिरा और अन्यथा वह बड़ा हादसा हो सकता था। वन विभाग के रेंजर तपस मिश्रा ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने 6 खतरनाक पेड़ों को काटने की मांग की थी, जिसके लिए अस्पताल प्रबंधन को पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि पेड़ अस्पताल परिसर में थे, इसीलिए अस्पताल प्रबंधन को पेड़ काटने के लिए कहा गया है। जबकि अस्पताल के CMS ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। संबंधित ठेकेदार को पेड़ काटने के लिए कहा गया है, लेकिन वह लापरवाही बरत रहा है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। चिकित्सालय में एक आपदा के दौरान एक पेड़ गिरा था, जो कि रोड साइड पे गिरा था। उसके बाद प्रबंधक समिति द्वारा शायद हमें ये सूचना दी गई थी कि कुछ और पेड़ वहाँ पे खतरनाक दृष्टिकोण के हैं, जिन्हें उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन अनुसार हमने आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने यहाँ से पत्र जारी करा दिया था। तो पेड़ों को निस्तारण करने हेतु या पातन के लिए, जो भी कि कहीं जान माल की क्षति न हो, कहीं किसी अवसंरचना को कोई नुकसान न हो या लोगों को कोई खतरा न हो, इसके द्वारा जो भी कार्रवाई हमारे स्तर से की जा रही थी हमने वो करके प्रबंधक, जो भी चिकित्सालय के प्रबंधक समिति, उनको अवेलेबल करा दी थी। बाकी अग्रिम कार्रवाई उनके स्तर से आगे की जानी है, वो आगे उनके द्वारा की जाएगी। उनके खतरनाक पेड़ थे जिनसे जान माल की क्षति हो सकती थी, उनको काटकर वहां रखने के लिए निर्देशित किया गया था कि उनको तुरंत यथाशीघ्र पातन करवाकर, जिससे कोई जान माल की क्षति ना हो, उनको वहीं रखवा देंगे चिकित्सालय के परिसर में, और आगे की कार्रवाई के लिए उनको अलग से आवेदन करना होगा, फिर वो पत्राचार हम उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार करेंगे। पेड़ जो है ऐसी एक समस्या है, जो पेड़ कमजोर हैं, जो गिर सकते हैं, जिनसे जनहानि एवं संपत्ति का नुकसान हो सकता है, उसके लिए त्वरित कार्रवाई के लिए हमने पहले ही जो है परमिशन ले करके और आदेशित संबंधित ठेकेदार को कर रखा है, पर उसके स्तर से जो है वो लापरवाही की जा रही है और उसको बार बार जो है, इवन आज के समय में वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है, उसकी हाइड्रा भी यहाँ खड़ी कर रखी है उसने, और ये कहते हुए कि साहब मेरी हाइड्रा ये खड़ी है, जिम्मेदारी हमारी, हम हटाएंगे पेड़। इसमें ठेकेदार की गलती है बहुत बड़ी, जिसकी तरफ से पूर्णतः लापरवाही दिखाई जा रही है, और यही स्थिति रही तो मैं 1-2 दिन के अंदर ये पक्का है कि मैं किसी अन्य ठेकेदार को जिम्मेदारी सौंप करके और उसके द्वारा ये कार्रवाई कराऊँ।